Assalamu alaikum dear students uh, it was raining today on 4th of September 2020 <coughs> that's why we could not take community classes for you and now uh, we got to deliver offline classes for you इसलिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा था और बायोलॉजी में हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे तो आज का जो ऑफलाइन Uh, इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इसमें दो तीन लेक्चर्स तो लग ही जाएंगे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एज द नेम सजेस्टस दैट दे आर द बायो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दे आर द बायो प्रजेंट इन न्यूक्लियस इसके नाम में ही है न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड्स मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बट समाइम्स दे कैन बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं तो लेकिन जनरली दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और ये क्या होते हैं दे आर आर द बायो ऑफ हाई मोलिकुलर वेट मोनो न्यूक्लियोटाइड्स सो दे आर द बायो ऑफ हाई मोलिकुलर वेट मोनो न्यूक्लियोटाइड्स जैसे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं इसी तरह से ये बायोपॉलीमर्स भी जो कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये बने होते हैं ऑफ मोनो न्यूक्लियोटाइड्स जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं तो ये इनके रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड्स दे आर द रिपीटिंग यूनिट्स दे आर द रिपीटिंग यूनिट्स सेम एज इन केस ऑफ द प्रोटीन्स वेयर द रिपीटिंग यूनिट्स आर द अमीनो एसिड्स तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोटाइड uh, किस चीज का बना होता है यहां तक आपको पता चला कि न्यूक्लिक एसिड जो हैं दे आर द बायो पॉलीमर्स और बायो मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द न्यूक्लियस एंड दे आर मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड द मोनो न्यूक्लियो टाइड्स मोनो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस चीज के बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स दे आर मेड अप ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स इसमें तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्या क्या एक तो एसिड होता है दैट इज जनरली फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड सो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है एसिड प्लस पेंटोस शुगर पेंटोस शुगर जिसे हम आरबोस भी कहते हैं और नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं ये प्योरिन भी हो सकते हैं ये दो तरीके दो देर ऑफ टू टाइप्स दो तरह के होते हैं प्यूरन्स एंड पायरेमिडीन्स प्यूरिन एंड पायरेमिडीन और ये जो प्यूरस हैं दे आर ऑल्सो देर आर टू प्यरिन लाइक एडनिन एंड गोनिन प्यूर दो होते हैं क्या क्या एक तो एडनिन होता है और दूसरा गोनिन होता है एंड पायरेमिडीन जो हैं पायरेमिडीन होता है साइटोसिन एंड साइटोसिन एंड इन केस ऑफ आर एन ए अगर आर एन ए होगा आर एन ए में साइटोसिन होगा और यूरासल होगा लेकिन डीएनए में क्या होगा डीएनए में साइटोसिन एंड थान होगा डीएनए में साइटोसिन साइटोसिन के साथ थाइमीन दूसरा पैरामिडीन तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन की बायोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और दे आर द बायो पॉलिमर्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट मॉनो न्यूक्लियोटाइड्स और द रिपीटिंग यूनिट्स इन्हीं के बने होते हैं मोनो न्यूक्लियोटाइड्स के और न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज के बने होते हैं ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड पेंटोस शुगर्स होते हैं राइबोसिस एंड नाइट्रोजीनस बेसिस और नाइट्रोजीनियस बेस जो होते हैं नाइट्रोजीनस कंपाउंडस दे आर ऑफ टू टाइप्स प्यूरन्स भी हो सकते हैं पेरामिडीनस भी हो सकते हैं और प्यूरिन कौन कौन से होते हैं एडनिन एंड गिन So, और जो पैरामिडीन्स हैं वो होते हैं साइटोसिन और थाइमीन जो कि डीएनए में होते हैं और साइटोसिन और आर आरएनए में होते हैं यानी कि पैरामिडीन्स टोटली आर थ्री साइटोसिन पैरामिडीन्स एंड एंडरासिल बट यूरोसिल इन केस ऑफ आर एन एंड थाइमीन इन केस ऑफ डी एन ए बट साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ दैट आर एन एंड डी एन ए सो इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड वी ऑल्सो कॉल दम एज द Uh, they are the information molecules, genetic information molecules. So we can also uh, say that they are the repositories uh, for genetic information. They are the repositories, repositories, repositories mean stores. They are the repositories of genetic information, genetic information. They are the repositories or the stores of the genetic information. So they are also jointly referred as molecules of heredity. I mean DNA and RNA. Because nucleic acids, they are uh, there are two types of the nucleic acid. That is DNA. Nucleic acid DNA also can RNA also is. So both of them nucleic acids nucleic acids. And these two molecules, these nucleic acids, they are called the molecules of heredity. So they are jointly referred as molecules of heredity. तो न्यूक्लिक एसिड्स को हम मोलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी भी कहते हैं सो so दैट uh, ये जो हेरिडिटी होती है द पैसेज ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स वो इन्हीं मोलिक्यूल्स की वजह से होता है यही मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड्स पैसेज ऑफ कैरेक्टर्स करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू दर ऑफ स्प्रिंग्स तो अब सबसे पहले हम ये तो इंट्रोडक्शन थी अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं इसकी इनकी हिस्ट्री के बारे में कैसे ये डिस्कवर हो गए तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी इन एटीन थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में इन एटीन हंड्रेड से ही इनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी जब एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फेडरिच मिशर फेडरिच मिशर फेडरिच मिशर जो है ये उन दिनों ट्वेंटी ही वॉज ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड स्विस केमिस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड स्विस केमिस्ट एक स्विटरलैंड का रहने वाला था स्विस केमिस्ट था इन्होंने क्या किया इन्होंने आइसोलेट किया न्यूक्लियस को किन चीजों से पस सेल से he started to isolate because he was interested in the study of nucleus ye actually nucleus ki study kar raha tha cells ka jo ke jo andar nucleus hota hai uski study kar raha tha so he started to isolate nuclei from pus cells pus cells से इसने nucleus निकालना शुरू कर दिया pus cells यानी कि white blood corpuscles से इसने जो nucleus है वो निकालना शुरू कर दिया और इसने वहां पे क्या देखा ये निकाल के न्यूक्लियस निकाल इसने देखा कि इस न्यूक्लियस में कोई फॉस्फेट रिच सब्सटेंस होता है ही फाउंड ए फॉस्फेट रिच सब्सटेंस इन दिस न्यूक्लियस फॉस्फेट रिच सब्सटेंस इन दिस न्यूक्लियस एंड ही कॉल्ड दिस फॉस्फेट रिच सब्सटेंस एज द न्यूक्लिन ही कॉल्ड इट न्यूक्लिन तो इसने जब ये न्यूक्लियस की स्टडी कर रहा था इसने न्यूक्लियस के अंदर क्या देखा एक फॉस्फेट रिच सब्सटेंस देखा ऐसा सब्सटेंस देखा जिसमें फॉस्फेट था बहुत ज्यादा फॉस्फेट था तो इसने इस विचिन न्यूक्लिन तो इसने इसको इसका नाम क्या रखा न्यूक्लिन नाम रखा और आ, आ, तो इसने कंटिन्यू किया अपनी स्टडी अब uh, किस चीज पे कंटिन्यू की सेलमन स्पर्म जो होते हैं सेलमन फिश होती है उसके स्पर्म सेल्स पे इसने अपनी स्टडी कंटिन्यू की तो ही कंटिन्यूड हिज स्टडी ऑन सेलमन स्पर्म सेल्स सेलमन फिश जो होती है उसकी स्पर्म सेल्स पे इसने कंटिन्यू किया अपनी स्टडी क्यों क्योंकि जो सेलमन स्पर्म्स स्पर्म सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज प्रोमिनेंट तो ईजी था उस पर स्टडी करना तो इसने अपनी स्टडी कंटिन्यू की लेकिन ये जो फ्रेडरिच मिशर था ये मैंने ऑलरेडी कहा कि ये स्विस था एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ एमिनेंट जर्मन केमिस्ट ये एक जर्मन केमिस्ट केमिस्ट का स्टूडेंट था ही वाज द स्टूडेंट ऑफ जर्मन केमिस्ट ही वाज द स्टूडेंट ऑफ जर्मन केमिस्ट उस जर्मन केमिस्ट का जो ये एक एमिनेंट जर्मन केमिस्ट था उसका नाम था फेलिक्स हॉफी सेलर फिलिक्स होपी सेलर यह बहुत ही एमिनेंट जर्मन केमिस्ट था तो इसलिए दैट्स वाई कि यह जो फेडरिक मिशर है केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियस इन एटीन सिक्सटीज एटीन सिक्सटीज से ही न्यूक्लियस की केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था तो इसने पहले डब्ल्यू बी सीज़ इसके लिए जैसा कि मैंने बोला कि डब्ल्यू बी सीज़ पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की उसमें जो न्यूक्लियस था वो ईज़िली ऑब्जर्वेबल था तो उस पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की उसके बाद एक हॉस्पिटल में इसने हॉस्पिटल का नाम था ट्यूबिंगन हॉस्पिटल ट्यूबिंगन एक जगह का नाम है जर्मनी में ट्यूब टू बंजन वहां पे एक हॉस्पिटल में फिर उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो उन्होंने उस हॉस्पिटल वालों ने क्या किया उन्होंने उसको जो कि वो बैंडेजेस होते हैं विच आर पील्ड फ्राम द वूड्स जो जख्मों से उठाए जाते हैं तो उन बैंडेज पे क्या होता है उनपे पास सेल्स होते हैं डब्ल्यू बी सीज होते हैं तो यही सेल्स इसको सप्लाई किए गए फेडरिक्स मिश्र को तो इसने उस पर अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो उसके बाद उसने सेलमन स्पर्म सेल्स जो हैं उन पे अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो जब ये वापस आ गए अपने स्विजरलैंड वापस आ गए स्विजरलैंड में एक सिटी में रहते थे जिनका नाम था बेसल तो वहां पे वापस आ गए तो वहां पे इन्होंने सेलमन स्पर्म सेल्स पे आ, अपनी रिसर्च स्टार्ट की जिनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही प्रोमिनंट होता है इस तरह से अप टू तो 1874 सेवेंटी फोर मिश्र की स्टडी जो कंटिन्यू रही तो इन्होंने क्या किया इन्होंने आइसोलेट किया प्योर न्यूक्लिक एसिड को फ्रॉम द डीएनए प्रोटामिन कम्पलेक्स इन सेलमस स्पर्म न्यूक्लियस तो इसने क्या किया इन 1874 इन 1874 सेवनटी फोर फेडरिक मिशर ने क्या किया इन्होंने सेपरेट किया या आइसोलेट किया आइसोलेटेड प्योर न्यूक्लिक एसिड इसने प्योर न्यूक्लिक एसिड आइसोलेट किया फ्रॉम द डीएनए प्रोटामीन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डीएनए प्रोटामीन कॉम्प्लेक्स प्रोटामीन क्या होते हैं ये अर्जीन जो होते हैं अर्जिन रिच प्रोटीनस होते हैं अर्जिन एसेंशियलो अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में अर्जिन जो है इट इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड और ये जो अर्जिन है अर्जिन रिच प्रोटीन्स होते हैं उनको हम प्रोटीन प्रोटामीन्स uh, कहते हैं तो प्रोटामीन्स क्या होते हैं प्रोटामीन्स होते हैं प्रोटीन्स विच आर अर्जिन रिच तो डीएनए और प्रोटामीन के कम्प्लेक्स से इन्होंने प्योर न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया इन 1874 लेकिन किस चीज में इन सेलमस स्पर्म न्यूक्लिया जो कि मैं अभी बोल रहा था इन सेलमन स्पर्म न्यूक्लिय जो सेलमन फिश है उसके स्पर्म नुक, के न्यूक्लियस से इन्होंने ये आइसोलेट किया तो इसके बाद अल्टमैन एक और साइंटिस्ट थे अल्टमैन अल्टमैन इन्होंने क्या किया इन 1899 हंड्रेड उन्होंने इंट्रोड्यूस की एक टर्म न्यूक्लिक एसिड टू तो रिप्लेस द न्यूक्लिन इन्होंने एटीन में ही इंट्रोड्यूस्ड टर्म ये इंट्रोड्यूस्ड a टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड किस चीज को रिप्लेस करने के लिए टू रिप्लेस न्यूक्लिन जो कि न्यूक्लिन ऑलरेडी नाम दिया था एक फॉस्फेट रिच कंपाउंड के लिए कि उन्होंने किसने फेडरिच मिस्चर ने तो उसको रिप्लेस किया ऑल्टमैन ने ऑल्टमैन ने इसका नाम रखा न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड नाम रखा एक्चुअली इन एटीन एटीज क्या होता है एटीन एटीज में फिशर uh, जो है फिशर डिस्कवर्ड प्यूरन्स एंड पैरामिडीन बेसिस इन न्यूक्लिक एसिड प्योरस और पैरामिडीन्स स और जो कि पैरामीडियोजीनियस बेसिस होते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं भी दो होते हैं और पैरामीडियंस तीन होते हैं जो कि पहले ही मैंने कहा साइंटिस्ट 1881 कॉल्ड 1881, इसका नाम जैकैरिस था इन्होंने आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियन को विथ आइडेंटिफाइड न्यूक्लियन ने क्या देखा इन्होंने न्यूक्लियन को जो न्यूक्लियन ऑलरेडी फेडरिच मिशर ने देखा था इन्होंने उसी को आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियन को विथ किस चीज के साथ इन्होंने देखा न्यूक्लियन को क्रोमैटिन क्रोमैटिन और क्रोमैटिन क्या होता है क्रोमैटिन इज द कंप्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन हिस्टून प्रोटीन क्रोमैटिन होता है इट इज द कंप्लेक्स ऑफ डीएनए डीएनएक्राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड and histone proteins histone proteins So in 1881 में ने identify 1882 in 1882 there was another scientist his name was Sachs S A C H S Sachs to so, Sachs ने he stated that nucleins of sperm and uh, eggs are different he stated ट न्यूक्लियंस जो न्यूक्लियन नाम रखा था फेडरिक मिशर नेर न्यूक्लियंस ऑफ स्पर्म एंड एग सेल न्यूक्लियम एंड एगसेल्स जो फीमेल एक्ससेल्स होते हैं एगसेल्स दे आर डिफरेंट दे आर डिफरेंट डिफरेंस देखी इसने इन दोनों में और एंड इन एटीन एटी फोर एटीन हंड्रेड एंड एटी फोर क्या हुआ देर वॉज साइंटिस्ट हिज नेम वॉज हर्टविकॉज ही क्लाइम दैट न्यूक्लिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो धीरे धीरे करके इसके बारे में uh, अनवील होने लगा अनवाइंड होने लगा अनकॉल होने, होने, होने लगी ये मिस्ट्री अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स तो हर्टविक ने क्लेम किया इन एटीन हंड्रेड ही क्लाइम दैट न्यूक्लिन न्यूक्लिन जो होता है जो कि ऑलरेडी फेडरिक मिशर ने नाम दिया था सबसे पहले इट इज रेस्पॉन्सिबल यही रेस्पॉन्सिबल होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो हेरिडिटरी पैसेज ऑफ कैरेक्टर्स होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स वो इसी न्यूक्लिन की वजह से होता है और इसके बाद एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था एलब्रैक्ट कोसल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैडलबर्ग जर्मनी उसने रिकॉग्नाइज किया हिस्टूनस को और प्रोटामीन्स को एंड दे आर एसोसिएटेड विथ न्यूक्लिक एसड्स एंड दे आर ऑल्सो फाउंड एंड दे ऑल्सो फाउंड दैट द हिस्टून वेयर बेसिक प्रोटीन्स एंड देन ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क तो इसके बाद नाइनटीन हंड्रेड एंड एटीन नाइन्टी फोर में क्या हुआ साइटोसिन डिस्कवर हुआ था इट वॉज आइडेंटिफाइड इन एटीन नाइन्टी फोर एटीन नाइन्टी फोर साइटोसिन जो है ये आइडेंटिफाई हुआ था जो कि एक नाइट्रोजीनियस बेस uh, है और उसके बाद 1909 में यूरासिल वाज आइसोलेटेड इन 1909 हंड्रेड नाइन यूरासिल वॉज आइसोलेटेड तो धीरे धीरे करके ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं एक एक करके आइसोलेट किया गया इनको और उसके बाद एक, 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 एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेविन ही वाज ए रशियन बॉर्न बायोकेमिस्ट एल ई वी एन ई ये लेविन जो है इट वाज ही वाज रशियन रशियन बॉर्न बायो केमिस्ट वॉज ए रशियन बॉर्न बायो केमिस्ट हिज नेम वॉज लिविंग एंड ही रिकोग्नाइजड द फायो कार्बन राइबोस शुगर इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टेन ही रिकोगग्नाइज फायो कार्बन राइबोस शुगर जो कि पहले ही मैंने कहा राइबोस शुगर्स होते हैं इस न्यूक्लियोटाइड में और वो फायो कार्बन होते हैं फायो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं एंड दे आर द फाबन कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड द राइबोस शुगर्स ही रिकोगोगनाइजड दम इन नाइनटीन हंड्रेड एंड 10. उन्नीस सौ दस में इन्होंने रिकॉगनाइज किया इसको एंड uh, तो लेटर ऑन ऑल्सो डिस्कवर डी ऑक्सी राइबोस इन न्यूक्लिकुगर हो गया जो कि डीएनए में होता है तो इसके एन uh, ए इस, में होता है इसके बाद डी ऑक्सी राइबोसुगर जो है जो कि uh, इसमें डीएनए uh, में होता है और राइबोस uh, शुगर आर एन ए में होता है उसको भी डिस्कवर किया डी ऑक्सी राइबोस शुगर को भी इसने डिस्कवर किया लेकिन उसके बाद नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन एक रॉबर्ट uh, फ्यूवलजन था वो भी जर्मन केमिस्ट था तो उसने डिमानस्ट्रेट किया एक कलर टेस्ट विच इज नोन एज द फ्यूलजिन टेस्ट फॉर द तो न्यूक्लिक नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टीन में इन नाइनटीन हंड्रेड एंड वॉज फ्यूलजिन तो फ्यूलजिन ने क्या किया रॉबर्ट फ्यूलजिन ही वॉज ऑल्सो जर्मन केमिस्ट तो ही डिमॉन्स्ट्रेटेड इन्होंने एक कलर टेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट किया टेस्ट इसका नाम जो है दैट इज फ्यूलजिन टेस्ट किस चीज के लिए फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स टू आइडेंटिफाई द डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स तो इसके बाद देर वॉज अनदर माय पेज Uh, in, in around uh, 1931 1931 uh, there was another uh, scientist his name was P.A. Levine P.A. Levine So this P.A. Levine, P. A. Levine tha, he stressed that there are two types of nucleic acids. In 1931 he stressed that there are two types of nucleic acids that is RNA and DNA that is DNA and RNA. DNA means deoxyribose uh, ribonucleic acid, and RNA means ribonucleic acid. So, and after that, in 1941, in 1941, uh, there were the scientists, namely Caspersin and person Caspersin, Caspersin. And brashit Casperson and brashit inKa uh, they are related the nucleic acids uh, were connected to protein synthesis so inNA demonstrated they demonstrated that uh, protein synthesis it was uh, related to nucleic acids so they demonstrated that nucleic acids were connected were connected with प्रोटीन सिंथेसिस तो डेमोन किया कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है हमारी बॉडी में दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड विथ कि न्यूक्लिक एसिड्स में ही डिसाइड होता है कि किस टाइप के प्रोटीन्स बनने हैं तो उसके बाद देर द दाइंटिस्ट नैमली ओस्टवाल एवरी एंड मैक्टी तो उन्होंने क्या किया इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर डेमोस्ट्रेटेड डायरेक्टली इन Inheritance. So there were the scientists, namely Ostwald Avery, in case you say Avery. Be -E Avery, MacLeod and McCarty. MacLeod and McCarty. Uh, MacLeod and McCarty. So in, in 1944, 1944 they demonstrated uh, that uh, first of all they demonstrated that DNA is directly DNA is Directly involved, involved in DNA is directly involved in inheritance. Inheritance means the passage of characters from parents to offspring. So they inherit the characters from parents to offspring because the DNA gets inherited from parents to offspring. So the passage of characters, is to DNA. So first of all, they demonstrated in 1944 that DNA is directly involved. तो उसके बाद आ, और भी कुछ साइंटिस्ट आए लाइक हार्शे एंड चेज ऑफ कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब इन न्यूयॉर्क इन 1952 दे एंड दैट ओनली द डीएनए उनके बारे में कहूंगा मैं जो हार्शे एंड चेज होता है साइंटिस्ट थे हार्शे एंड चेज हार्शे एंड चेज दे फ्रॉम दे वेर फ्रॉम द कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब फ्रॉम कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लैब फ्रॉम न्यू यॉर्क फ्रॉम न्यूयॉर्क इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू दे डिमॉन्स्ट्रेटेड इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो डीएनए होता है टी फोर ऑफ टी फोर बैक्टीरियो फॉज डी फोर बैक्टीरियो बैक्टीरियो फॉज एक वायरस होता है तो उसका जो डी एन ए है uh, वही होस्ट में इंटर हो जाता है होस्ट क्या था द बैक्टीरियम ईकोलाई तो इन्होंने डेमानस्ट्रेट किया कि जो डी एन एफ दे डेमोनस्ट्रेट दट डी एन एफ टी फोर बैक्टीरियो फॉज बैक्टीरियो फॉज इज अ वायरस डी एन एफ टी फोर बैक्टीरियो फॉज ओनली इंटर्स इन टू द होस्ट एंड होस्ट वॉज इट वॉज अ बैक्टीरियम ईकोलाय तो बैक्टीरिया के अंदर इस वायरस का बैक्टीरियो का सिर्फ डीएनए एंटर इंटर हो जाता है और बैक्टीरियो का जो प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं वो बिहाइंड रह जाता है दैट रिमेन्स बिहाइंड इट डज नॉट इंटर इनटू द होस्ट ओनली द डीएनए इंटर्स इनटू द होस्ट And they confirmed that DNA is the genetic material of most living organisms. So they confirmed, Harsh and Chase, they confirmed by performing the experiment, T4 bacteriophage experiment. They confirmed that DNA is the genetic material of most of the living organisms. Even in ke Messelson and Stahl, in 1957 at California Institute of the Technology, they presented evidence that nucleic acid forms the genetic material. So, in evidence, that nucleic acid it forms the genetic material is actually in 1953 a revolutionary uh, discovery a key a revolutionary structure the idea uh, those scientists named Watson and Crick Watson and Crick they were the two scientists James uh, D Watson and Francis H C Crick they constructed in 1953 they constructed the double helical they कंस्ट्रक्टेड इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया किस चीज का कंस्ट्रक्टेड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो इन्होंने कहा कि जो डीएनए है उसका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि हम आगे आगे वीडियोस में पढ़ेंगे सो so, ड सक्सेसफुल एक्सप्लन द डी एन ए र्लिकेशन और उस चीज की वजह से डी एन एप्प्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो जाती है सो इट वॉज अबाउट द डेफिनेशन एंड अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डी एन ए इन माई अपकमिंग वीडियोज वी शैल डिस्क्राइब और अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डी एन एंड और एन ए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग